कोरोना के नए स्ट्रेन को देखते हुए अमेरिका फिर से लागू करेगा यात्रा प्रतिबंध। मैक्सिको के राष्ट्रपति एंड्रेस मैनुअल लोपेज ऑब्राडोर कोरोना से संक्रमित। फ्रांस में कोरोना के नए स्ट्रेन से हालात चिंताजनक, फिर लग सकता है लॉकडाउन। WHO ने कहा नए स्ट्रेन का दुनिया के 60 देशों पर असर। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को सत्तारूढ़ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के एक धड़े ने पार्टी से निकाला, सेंट्रल कमेटी की बैठक बुलाकर लिया फैसला। लद्दाख में LSE पर जारी गतिरोध को लेकर चीन के साथ कॉर्प्स कमांडर स्तर की नौवें दौर की वार्ता देर रात खत्म। 15 घंटे तक चली इस वार्ता में भारत की दो टूक पूरी तरह पीछे हटे चीन। दिल्ली बॉर्डर पर किसानों की घेरेबंदी का आज 61वां दिन। 26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड की तैयारी जोरों पर, संयुक्त किसान मोर्चे ने जारी की हिदायत, परेड अनुशासित रहने का किया दावा। लॉकडाउन के दौरान बीमार पिता को 1200 किलोमीटर साइकिल चलाकर बिहार ले जाने वाली ज्योति समेत 21 राज्यों के 32 बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार देने का ऐलान। गणतंत्र दिवस पर सुरक्षा के लिहाज से आज से कल दोपहर 2 बजे तक के लिए दिल्ली मेट्रो की सभी पार्किंग बंद, मेट्रो सेवाओं में भी आंशिक बदलाव का ऐलान। RJD प्रमुख लालू यादव दिल्ली एम्स के CCU में भर्ती। निमोनिया, डायबिटीज, किडनी फंक्शन समेत 18 परेशानियों से जूझ रहे हैं लालू। तेजस्वी यादव ने समर्थकों से किया एम्स पर भीड़ न लगाने का आग्रह। और दिल्ली समेत समूचे उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड, घने कोहरे और शीतलहर ने बढ़ाई मुसीबत। कम विजिबिलिटी की वजह से यातायात प्रभावित।